I am Shruti and welcome back to my YouTube channel. If you are new, then subscribe to my channel. So, मैं बहुत excited हूँ. आज मेरा vlog थोड़ा special होने वाला है और मैं काफ़ी time से सोच रही थी कि मैं वो चीज़ कर पाऊँ और मैंने मतलब बहुत time से सोच रखा था कि मुझे वो करवाना है, लेकिन मम्मी परमिशन नहीं दे रही थी और मम्मी ने वैसे अभी भी परमिशन नहीं दी है. मम्मी को बिना बताए मैं जा रही हूँ. और मेरी जब दी ने करवाया था, जब से मेरी इच्छा थी करवाने की कि मैं भी वो चीज़ करवाऊँ. मेरी दी ने शायद 2-4 बार करवा चुकी है और मैं ज़्यादा सीक्रेट नहीं रखूँगी. मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ कि मैं अपने हेयर्स जो है वो परमानेंट स्ट्रेट करवाने जा रही हूँ और मेरा काफ़ी मन था जो अपने हेयर है स्ट्रेट करवाने का. तो आज मैं फाइनली अपने हेयर स्ट्रेट करवाने जा रही हूँ. मेरी दी के कोई पहचान के फ्रेंड हैं, उन्होंने उन्हीं से करवाए थे और मैं भी उन्हीं से ही करवाने जा रही हूँ उनके घर पर. और वैसे तो मेरी मम्मी को मेरे जो नेचुरल हेयर्स हैं वही पसंद है. आई मीन मम्मी कहती है जैसे तेरे हेयर्स हैं तुझ पर वैसे ही सूट करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं करवाने की. लेकिन एक मन होता है ना कि वो मुझे करना है और मेरी इच्छा है, तो मेरी इच्छा है अपने हेयर स्ट्रेट करवाने की और आज मैं फाइनली अपने हेयर स्ट्रेट करवाने जा रही हूँ. सो लेट्स बिगिन गाइस. मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ और मेरी स्ट्रेटनिंग की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है. भैया स्ट्रेटनिंग की क्रीम अप्लाई कर रहे हैं मेरे हेयर्स में. सो हेयर वॉश करने के बाद अब भैया केराटिन की क्रीम अप्लाई कर रहे हैं मेरे हेयर्स में. गाइस, तो मैं घर पर आ चुकी हूँ और मेरे बाल स्ट्रेट हो चुके हैं. आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरे पहले वाले हेयर ज़्यादा अच्छे लगते थे कि अभी जो मैंने करवाए हैं वो. लेकिन अभी मुझे इसमें शैम्पू करवाना है और कल मैं जाऊँगी वापस हेयर वॉश करवाने के लिए. बाय बाय. हे गाइस, तो मैंने स्ट्रेटनिंग तो करवा ली लेकिन रात में बहुत ही प्रॉब्लम हुई मुझे सोने में, क्योंकि भैया ने कहा था कि अभी एक दिन तक जब तक हेयर वॉश नहीं करते हैं, जब तक कोई भी क्लेचर और रबर बैंड वगैरह कुछ भी मत लगाना और बालों को एकदम फ्रीली छोड़ना है, फोल्ड नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है. तो बहुत ही प्रॉब्लम हुई मुझे सोने में. और आज मैं इवनिंग में जाने वाली हूँ अपने हेयर वॉश करवाने और मैंने स्ट्रेटनिंग के साथ केराटिन भी करवाया अपने हेयर्स में और अभी मेरे बालों में प्रोडक्ट लगा हुआ है, तो इसलिए मुझे अभी हेयर वॉश करना है. भैया ने कहा था थोड़े हेयर्स भी ट्रिम करेंगे मेरे, फिर देखते हैं मेरे हेयर्स कैसे दिखते हैं हेयर वॉश करने के बाद. हे एवरीवन, सो मैं घर पर आ चुकी हूँ और मैंने अपने हेयर वॉश करवा लिए हैं और हेयर वॉश करने के बाद जो प्रोडक्ट लगा हुआ था मेरे हेयर्स में वो जा चुका है और उसके बाद मेरे हेयर्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ लग रहे हैं. बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं और बहुत ही प्यारे हेयर्स लग रहे हैं मेरे और एकदम थोड़ा लुक चेंज हो चुका है मेरा. और काफ़ी टाइम से मेरी इच्छा थी स्ट्रेटनिंग करवाने की,
सो आज फाइनली मैंने अपने स्ट्रेट करवा लिए हेयर्स और मुझे काफी अच्छा लग रहा है. सो थैंक यू गाइज वॉचिंग माई वीडियो. कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग. बाय बाय.